नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों मैं नारायण आप सभी का हमारे चैनल नारायण फ्लूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए नया एक फ्लूट सॉन्ग लेके आया हूं, जो है जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, जो कि पुराना बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। इस सॉन्ग को अपनी बांसुरी पर किस प्रकार बजाएं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके नोटेशन बताऊंगा और इसको किस प्रकार आप अगर बिगिनर है, आप अभी एक दो महीने से ही बांसुरी सीख रहे हैं या आप एक एडवांस लेवल के फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है तो भी आप इस बांसुरी सॉन्ग को बड़ी आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सॉन्ग अपनी बांसुरी पर बजा के सुना देता हूँ, उसके बाद में आपको इसके वन बाय वन नोटेशन बताऊँगा और उसको किस प्रकार बजाना है वो भी बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप भी ये सॉन्ग अपनी बांसुरी पर बड़ी आसानी से बजाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं पहले आपको ये सॉन्ग सुना के दिखा देता हूँ अपनी बांसुरी पे। मेरे पास अभी ई बेस स्केल की बांसुरी, आपके पास जो भी स्केल की बांसुरी आप वो साथ में लेके बैठ जाइए और एक कॉपी पेन भी साथ में लेके बैठिए, ताकि जो मैं नोटेशन आपको बताऊँ आप वो अपनी कॉपी पेन लेके उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अभी ये सॉन्ग स्टार्ट करता हूँ। तो जो कि हमारी पहली लाइन है, जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, उससे स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए दोस्तों अभी मैं आपको इसके नोटेशन बताता हूँ, जो कि सबसे पहली लाइन है जब दीप जले आना, उसके नोटेशन किस प्रकार है जो कि ये है। यानी कि जब दीप जले आना, नीरे पापा करे गसानी रे, स्लो करके और बता देता हूँ, नीरे पापा गरे गसानी रे। इसमें आपको टंगिंग का यूज करना है, यहाँ पे दो पा है तो थू थू, गरे गसानी रे। इसमें आपको गमक का यूज करना, गरे गरे ग छानी रे, जो कि ये कंप्लीट इस प्रकार है। अब दूसरा, जब श्याम ढले आना, वो लाइन किस प्रकार है। स्लो करके और दिखा देता हूं, ये थोड़ी बीच में दिक्कत हो गई। अभी नी रे गम पा गरे ग सा नी सा, ये दूसरी लाइन जो जब शाम ढले आना, वो अभी बजा के दिखा दो, क्योंकि बीच में थोड़ी बांसुरी गिल्ली हो गई थी, इससे साउंड ठीक से नहीं निकल रहा था। अभी देखिए, यानी नी रे गम पा गरे
सा नी सा, ये इसकी दूसरे लाइन जब शाम ढले आना। अभी आगे वाली ये तीसरी लाइन है, इसको स्लो करके दिखाता हूं। यानी इसको यहाँ पर डबल मा भी यूज किया, जो कि दोनों तीव्र मा है, शुद्ध मा नहीं है, तीव्र मा। आपको किस प्रकार बजाना है अभी मैं स्लो स्लो करके दिखाता हूँ। आपको इस प्रकार बजाना पामा मदानी सनी द पामा। अब चौथी लाइन, मदानी रे सनी द पा, ये चौथी लाइन है। उसके बाद है हमारी पांचवी लाइन, यहाँ पर शुद्ध मा यूज किया जाएगा पांचवी लाइन में, जो कि इस प्रकार है। प म म रे नी नी रे ग म ध प म। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी गरे सानी। ये पांचवी लाइन के बाद में आपको एक गरे सानी और बताएं। पांचवी लाइन पूरी आपको बजा के दिखाता हूँ, वो इस प्रकार है। पांचवी लाइन के बाद में आपको फिर से पहली लाइन से स्टार्ट करना है। यही हमारा पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया फ्लूट सॉन्ग आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप जो हमने आज ही जब दीप जले आना जब शाम ढले आना इस सॉन्ग को अपनी बांसुरी पर आप काफ़ी रियाज कीजिए और काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये सीखने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, जय श्री राधे।